देश के कई हिस्सों में मानसून ने कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त को गुजरात, उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। गुजरात में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर राज्य के हालात का जायजा लिया। राज्य में बारिश के कारण 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत सड़कें, कुल मिलाकर 939 सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। 238 तहसीलें भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में है। राज्य में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF के अलावा सेना की 6 टुकड़ियां तैनात की गई है। दिल्ली और NCR में भी बुधवार रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली, नोएडा और NCR के अंडरपासों की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां पानी भरने से सड़कों पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। गुजरात में द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में बुधवार को 12 घंटों के भीतर 50 मिमी से 200 मिमी के बीच बारिश दर्ज की गई है। द्वारका के भानवड में 185 मिमी बारिश हुई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने गुरुवार को सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। बुधवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धूप खिली रही। हालांकि 30 और 31 अगस्त से एक बार फिर मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 28 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है।